ये सृष्टि 84 घटनाओं से गुजर चुकी है, 84 बार ये हो चुका है। इस अर्थ में सिर्फ 21 अब तक किसी रूप में मौजूद है, 63 पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे ढूंढें, पर आप उन्हें अपने सिस्टम में याददाश्त के चिन्हों के रूप में देख सकते हैं। चौरासी एक महत्वपूर्ण संख्या है आज हमारे जीवन में, चाहे हम इसके बारे में जागरूक हों या ना हों। 84 क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि यह सृष्टि गुजर चुकी है। 84 घटनाओं से 84 बार यह हो चुका है, यह 84वीं घटना है। आज आधुनिक विज्ञान प्रमाणित करता है कि पूरी सृष्टि बस कंपन है। यह मेरा आविष्कार नहीं है, यह वैज्ञानिक तथ्य है। जहां कंपन होता है वहां ध्वनि भी होगी। हाँ, क्या ये ठीक है? मैं तार्किक रूप से चरण दर चरण जाना चाह रहा हूं। जाने के और भी तरीके हैं, बस ऐसा करके मैं आपको एक अलग तरीके से समझा सकता हूं। लेकिन हम चरण दर चरण जाना चाहते हैं। जहां कंपन होता है वहां ध्वनि भी होगी। कैसा है? तो आप सिर्फ एक कंपन नहीं है, आप एक ध्वनि भी हैं, बल्कि एक शोर हैं। वे जो आवाज कर रहे हैं और वे जो नहीं कर रहे हैं, आप सभी लोग एक ध्वनि हैं। यही आधुनिक विज्ञान कह रहा है। और बहुत पहले किसी ने आपसे कहा था कि सबसे पहले शब्द था, और वो शब्द है भगवान। आप जानते हैं बहुत पहले ये कहा गया था। ध्वनि एक शब्द है ना, बल्कि एक शब्द ध्वनि है। फिलहाल मैं अगर हां कहूं, क्योंकि आप ये भाषा जानते हैं, तो आप उससे एक अर्थ जोड़ रहे हैं। अगर आपको यह भाषा ना आती, तो जहां तक आपका सवाल है, मैं बस एक आवाज पैदा कर रहा हूं, है ना? क्योंकि आप उनकी भाषाएं नहीं जानते, आपको लगता है कि वो कुछ अजीब आवाजें पैदा कर रहे हैं। नहीं, वे कुछ बोल रहे हैं। अगर मैं ऐसी भाषा में बोलूं जो आप नहीं जानते, तो आप स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि मैं कुछ अजीब आवाजें पैदा कर रहा हूं, है कि नहीं? अगर मैं अभी इस समय तमिल में या कन्नड़ा या तेलुगु या कोई और भाषा में बोलूं जो आप नहीं जानते, आपको लगेगा मैं कुछ, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं वाकई किसी भाषा में बोल रहा हूं या कुछ बकवास आवाजें पैदा कर रहा हूं, है कि नहीं? तो शब्द बस एक ध्वनि है। तो उन्होंने कहा कि वो शब्द है भगवान, क्योंकि कोई भी इंसान जिसने अस्तित्व को पास से देखा है, वो देख सकता है कि जिसे आप सृष्टि कहते हैं और जिसे आप सृष्टा कहते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप उन्हें अलग करें तो सृष्टि का अस्तित्व नहीं रहेगा। जब तक कि इसे सृष्टा का निरंतर सहारा नहीं मिलता, एक पल के लिए भी यह सृष्टि की प्रक्रिया नहीं चल सकती, क्योंकि सृष्टि बन नहीं चुकी है, यह निरंतर बन रही है। हाँ? क्या आप निरंतर बन रहे हैं या बन चुके हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बन नहीं चुके हैं। You are an ongoing process. आप एक जारी प्रक्रिया हैं। सृष्टि की भागीदारी के बिना सृष्टि एक जारी प्रक्रिया कैसे होगी? वो निरंतर भागीदारी है, वो अलग नहीं हो सकता। तो इसी वजह से उन्होंने कहा सबसे पहले शब्द था, मतलब
from total, unmanifest. पूर्ण अव्यक्त अस्तित्व जिसकी जब अभिव्यक्ति शुरू हुई तो सबसे पहली चीज जो हुई थी वो ध्वनि थी। वैज्ञानिक भी सहमत हैं कि बिग बैंग हुआ था। बैंग मतलब ध्वनि है ना। भारत में बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया गया है कि पहले और एकमात्र ईश्वर जो दुनिया के इस हिस्से में मौजूद थे वे थे रुद्र। रुद्र का मतलब है वे जो गरजते हैं, गरजने वाले। तो उन्हें रुद्र इसलिए कहा गया क्योंकि यही सृष्टि की शुरुआत है, क्योंकि ये एक गर्जन है। वैज्ञानिक इसे बैंग कहते हैं। अब वैज्ञानिक बैंग के सिद्धांत को वापस ले रहे हैं कि एक बिग बैंग हुआ था। वे कह रहे हैं कि कई बैंग हुए थे। तो आज के एक मशहूर भौतिक विज्ञानी जिन्होंने कई मशहूर किताबें लिखी हैं, हाल ही में उन्होंने एक किताब लिखी है। मैंने वो पढ़ी नहीं, मैं उनसे मिला। उन्होंने एक किताब लिखी है, एंडलेस यूनिवर्स। हाँ, अंतहीन ब्रह्मांड। हमेशा विज्ञान ने यह विश्वास किया है कि हर चीज की एक शुरुआत और एक अंत होता है। अब भौतिक विज्ञानी अंतहीन ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं। यौगिक प्रणाली में हमेशा एक निरंतर फैलते हुए ब्रह्मांड की बात की गई है। पहली बार शीर्ष स्तर के भौतिक विज्ञानी ये मानने लगे हैं कि कोई शुरुआत या अंत नहीं है, ये अंतहीन ब्रह्मांड है। ये एक मशहूर सिद्धांत है जो अभी वैज्ञानिक समुदाय के बीच है कि ब्रह्मांड अंतहीन हो सकता है। तो जब मैं इनसे चर्चा कर रहा था, मैंने पूछा कि क्या यह संभव है कि वो एक बैंग नहीं बल्कि एक गर्जन थी, एक निरंतर गर्जन। उन्होंने इस बारे में सोचा और उन्होंने कई चीजों के बारे में सोचा और वे बोले ये हो सकता है। शायद वो एक बैंग नहीं था, वो एक गर्जन थी। वो एक पल में नहीं हुआ, वो कुछ समय तक गर्जा और फिर धीरे धीरे सृष्टि बनने लगी। तो पहला रूप, पहले ईश्वर को गरजने वाला कहा गया। रुद्र मतलब गर्जन करने वाला। तो मैंने पूछा, आपको क्या लगता है उन्होंने कितनी बार गर्जन किया होगा? वो बोले, हम कह नहीं सकते, हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जानने का कोई तरीका नहीं है कि कितनी बार, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने एक से ज्यादा गर्जन की थी। फिर मैंने कहा, किसी दिन अगर आपकी खोज आपको वहां पहुंचाती है तो इसे एक सहायक चिन्ह के रूप में रखिए कि वे 84 बार गर्जे थे। उन्होंने पूछा, आप कैसे जानते हैं, किस आधार पर ये कह रहे हैं? मैंने कहा, अपने सिस्टम में देखकर मैं कह रहा हूं कि सृष्टि ने 84 बार गर्जन किया है और ये आगे भी कई गर्जन करेगी। ये कुल मिलाकर 112 बार गर्जन करेगी। जब ये आखिरी बार गर्जन करेगी तब कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं होगा, ये शाश्वत सृष्टि होगी। वो बहुत दूर है, पर मैंने उनसे कहा कि आप 84 को किसी तरह के सहायक स्तंभ के रूप में रखिए। आपके पास मशीन और गणित है, मैंने एक और एक कितना है यह भी नहीं सीखा। आपने ये सभी चीजें सीखी हैं, आप उन पर काम कीजिए। किसी दिन अगर आप एक संख्या तक पहुंचेंगे तो आप इस संख्या तक पहुंचेंगे, ये 84 होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने पूछा। मैंने कहा, अगर आप आज एक पेड़ काटते हैं तो लोग उसके तने में मौजूद छल्लों या चक्रों को देखकर कहते हैं कि पिछले हजार सालों में अकाल कब पड़ा था, ज्यादा बारिश कब हुई थी, आग कब लगी थी, सब कुछ है ना। अगर आप अपने सिस्टम में अपनी जागरूकता का इस्तेमाल करके प्रवेश करते हैं तो इस सृष्टि का पूरा इतिहास इसमें लिखा हुआ है। 84 बार ये सृष्टि गरज चुकी है, हम इस 84वें गर्जन में हैं। 84 गर्जनों के कारण जो हुआ है, हम वहां हैं।
उन 84 सृष्टियों में से जो हुई हैं, 83 हो चुकी हैं, ये वाली हो रही है। इनमें से जैसे सृष्टि हो रही है निरंतर, विलीन होना भी निरंतर हो रहा है। तो विलीन होने की प्रक्रिया कुछ सृष्टियों के लिए शुरू हुई और ये विलीन होती गईं। उनमें से सिर्फ 20 अब तक विलीन होने की प्रक्रिया में हैं। विलीन होने के अलग अलग स्तर हैं, बाकी की पूरी तरह से मिट चुकी हैं, सिवाय इसके कि आप अपनी जागरूकता में उन्हें देख सकते हैं, इस सृष्टि में देख सकते हैं, क्योंकि किसी रूप में इनमें उनका शेष भाग या अनुभव मौजूद है। उसी तरह जैसे आपके जीवन का अनुभव आपके हर काम में आपके साथ होता है, सृष्टि की प्रक्रिया भी हर सृष्टि का अनुभव अगली सृष्टि में अपने साथ लेती आई है, अगले में और उसके अगले में, हालांकि वे पूरी तरह से अलग हैं, हालांकि वे पूरी तरह से अलग हो सकती हैं। देखिए, आप स्कूल गए और फुटबॉल खेली और ये 25 साल पहले हुआ था। अब अचानक से अब आप 45 साल के हैं और एक चोर आपके घर में घुस गया। जब आपके घर में चोर घुसता है, यू आर नॉट गोइंग लाइक दिस, यू विल गो लाइक दिस। आप करके ऐसे नहीं करते, आप ऐसे करेंगे क्योंकि आपका फुटबॉल का खेल अचानक ऐसी चीज जो आप पूरी तरह से भूल चुके हैं वो कहीं आपके सिस्टम में है, वो बाहर आ जाती है। आप चोर को एक फुटबॉल की गेंद की तरह मारते हैं, ना कि कराटे केक या कलरीपट्टू केक या किसी और तरह। तो वो अनुभव, आपने फुटबॉल शायद 1 महीने या 3 महीने के लिए खेली होगी, लेकिन वो अनुभव, उस अनुभव का बचा हुआ हिस्सा आप में अब भी गहरा समाया हुआ है और ये कहीं एक बिल्कुल अलग जगह में व्यक्त होता है। इसी तरह आप हर समय विकसित हो रहे हैं, इसी को हम कर्म कहते हैं। तो ये व्यक्तिगत कर्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रह्मांडीय कर्म होता है, सृष्टि का अपना कर्म होता है, क्योंकि सृष्टि खुद एक कर्म है ना। सृष्टि का बनना क्या यह काम नहीं है? काम मतलब कर्म, यह कर्म है। उस कर्म का बचा हुआ हिस्सा हमेशा अगले स्तर की सृष्टि तक और फिर अगले स्तर तक पहुंचता है। इस तरह से कुल मिलाकर 84 सृष्टियां हुई हैं या 83 हुई हैं, ये 84वीं हो रही है। इनमें से पुरानी सृष्टियां पूरी तरह से विलीन हो चुकी हैं, उनका अस्तित्व बस अपनी सृष्टियों में मौजूद अनुभव की छाप के रूप में है, पर वे जीवित नहीं है। लेकिन इससे पहले की 20 सृष्टियां अब भी अलग अलग स्तर पर जीवित हैं। कुछ बहुत ही धुंधली हो गई हैं, कुछ प्रबल हैं, कुछ ज्यादा प्रबल हैं, कुछ लगभग असली हैं, जैसे ये है, ये लगभग ऐसी ही हैं, लेकिन ये विलीन होने की प्रक्रिया में है। वहां सृष्टि की प्रक्रिया सक्रिय रूप से नहीं हो रही है, विलीन होने का यही मतलब है। देखिए, फिलहाल आपके लिए मृत्यु का क्या मतलब है? जब आप बच्चे थे, जितनी नई कोशिकाएं आप पैदा कर रहे थे, मान लीजिए 1 साल में आप 100 अरब कोशिकाएं बना रहे थे। जब आप 35 के हो जाते हैं, यह थोड़ा कम हो जाता है। जब आप 45 के होते हैं, यह थोड़ा और कम होता है। 55 की उम्र में और कम होता है, 75 पर और भी कम। एक समय आता है जब आप जो पैदा करते हैं और जो मरता है उसकी संख्या नए से ज्यादा है। इसी तरह से बुढ़ापा आता है। सृष्टि के साथ बिल्कुल यही प्रक्रिया हो रही है। विलीन होना हर समय होता है, यहां भी विलीन होना हर समय होता है, लेकिन नई सृष्टि हो रही है तो यह पूरी ऊर्जा से चल रही है। यह नई सृष्टि धीमे पड़कर रुक गई तो कुछ समय बाद, कुछ समय अंतराल के बाद, यह बस कम होने लगी, सिर्फ विलीन होने लगी, और कुछ समय बाद सिर्फ याददाश्त की छाप है, जीवित छाप बिल्कुल नहीं है। तो इस अर्थ में सिर्फ 21 अब तक किसी रूप में मौजूद हैं, बाकी की बची हुई 63, जी हां 63, पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। ये आपको नहीं मिलेंगी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे देखते हैं,
लेकिन आप उन्हें अपने सिस्टम में याददाश्त के चिन्हों के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि वो छाप, वो अनुभव अब भी यहां है। ये एक असली चीज है, बाकी सभी घटते क्रम के अनुसार सक्रिय है। इनमें दो हैं, इस सृष्टि में दो हैं। एक भौतिकता है जिसमें हर चीज की याददाश्त है, दूसरा है सृष्टि का स्रोत जो भविष्य का आधार है। आप या तो अपने अतीत को अपना भविष्य बनने दे सकते हैं। जब आप अपने अतीत को अपना भविष्य बनने देते हैं, हम आपको देखकर कहते हैं यह उसका कर्म है। जब हम कहते हैं वो उसका कर्म है, इसका मतलब है कि वो अपने अतीत को अपना भविष्य बनने दे रही है, उसमें कोई नई संभावना नहीं है। यही बात है जब हम किसी को देखकर कहते हैं कर्म। हम बस यही कह रहे हैं कि वे अपने अतीत को अपना भविष्य बनने दे रहे हैं, उनका वाकई कोई भविष्य नहीं है, वो खुद को दोहराएगा। जब आप कहते हैं मैं आध्यात्मिक मार्ग पर हूं, तो आप एक स्तर पर यह कह रहे हैं कि आप वाकई ये कह रहे हैं कि आप अपने अतीत को अपने भविष्य के रूप में दोहराने नहीं देना चाहते। आप अपने जीवन को चक्रिय नहीं बनाना चाहते, आप अपने जीवन को आगे ले जाना चाहते हैं, आप उसे चक्रिय नहीं बनाना चाहते। पिछला मंत्र जिसका अभी आप उच्चारण कर रहे थे वो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मतलब ये चक्र मैं इसे किसी तरह तोड़ना चाहता हूं। क्योंकि जब आप किसी चक्र में आ जाते हैं, जब आप गोल घूमने लगते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। जब आप कहते हैं कि कोई गोल घूम रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बस ये होता है कि वो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो जब हम कहते हैं ये उसका कर्म है, तो हमारा मतलब यही होता है कि वो कहीं नहीं पहुंचेगा, क्योंकि घूमते हुए उसे ऐसा लगता है कि यह नई यात्रा है, यह नई यात्रा है, क्योंकि उसकी याददाश्त बहुत छोटी है। हर किसी को भूलने की बीमारी है। मां के गर्भ से पहले क्या था या मां के गर्भ में क्या था, उन्हें याद नहीं। वे भूल जाने की स्थिति में है, इसलिए गोल घूमना नया लगता है, हर बार घूमकर नया लगता है। यह गोल घूमते जानवरों की तरह है, सर्कस में जानवरों को घुमाते हैं, ये बस वैसा ही है। भारत में विशेष रूप से योगिक संस्कृति में यह उदाहरण शायद कहीं योग सूत्र में ही है, ये वाला उदाहरण। उनकी तुलना तेल की चक्की के बैल से की जाती है। तेल की चक्की पर वे बैलों के साथ ये करते हैं, वे उनकी आंखों पर कपड़ा बांध देते हैं, उनकी आंखों पर कुछ बांध देते हैं, या फिर सब कुछ बांधकर बस इतना छोड़ देते हैं। और ये एक तेल की चक्की है, पर बैल सोचता है वो कहीं जा रहा है। जैसे आप ट्रेडमिल पर चढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं, पर आप कहीं नहीं जा रहे हैं। यही कर्म है। तो ये आयाम जिसे आप अभी देख रहे हैं वो दो स्तरों पर है, एक हो चुका है, दूसरा हो रहा है। तो उनमें से 83 हो चुके हैं। अगर आप संख्याओं में बात करना चाहते हैं तो 83वां हो चुका है, पर अब भी हो रहा है, बचे हुए हिस्से के रूप में यह अब भी हो रहा है। आपका जन्म हो चुका है, क्या ही हो चुका है? जन्म हो गया है, पर अब भी हो रहा है, है ना? आपकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब भी हो रही है। आप समझे? आपकी मृत्यु तय है, है ना? यह पहले ही हो चुकी है। जिस पल आप पैदा हुए थे, आपकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु की ओर आपका पहला कदम हो गया था, पर अब भी हो रहा है। आप इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं, या आप इसे टालना चाहते हैं, लेकिन यह हो रहा है, है ना? और यह पहले ही हो चुका है। तो आप में एक और आयाम है जिसका जन्म नहीं हुआ है, न ही मृत्यु होगी। अगर आप उस आयाम को छुएं, सिर्फ तभी आप में भविष्य जैसी कोई चीज होगी।
वरना आपके पास बस कर्म है। कर्म मतलब आप अपने अतीत को भविष्य के रूप में दोहरा रहे हैं। आप शायद रंग बदल रहे हों, आप शायद तरीके बदल रहे हों कि आप उसे कैसे करते हैं, पर फिर भी वही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। वही चीज जो गुफा में रहने वाला आदमी करता था, आप भी वही कर रहे हैं। तरीके और क्षमता शायद बदल गई हो, लेकिन चीज वही है, कैसा नहीं है? यह एक लंगर है, यह एक लंगर है। आपने लंगर फेंक दिया है और आप अपनी नाव को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वो गोल घूम सकती है ना? तो हम लंगर खींचने की या लंगर की रस्सी काटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगली बार नाव चलाने पर वो दूर चली जाए। तो पूरी आध्यात्मिक साधना इसी पर आधारित है कि आप मुक्त होना चाहते हैं। मुक्त का मतलब यह नहीं है कि आपको भूलना होगा, लेकिन आपको उस याददाश्त से मुक्त होना होगा जो आपको चलाती है। और यह याददाश्त सिर्फ आपके मन में नहीं, आपके शरीर की हर कोशिका में याददाश्त है। वंश विज्ञान और अन्य चीजों से ये हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि आप में अपने पूर्वजों की याददाश्त है और आप आज भी उनकी तरह बर्ताव कर रहे हैं। आपकी नाक आज भी उनके जैसी है। आप देखिए, अगर आपने हाल ही में नाक की सर्जरी ना करवा ली हो, हाँ, there are many many symbols, कई सारे प्रतीक हैं या शरीर में कई पहलू हैं जो स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि इन 84 सृष्टियों की याददाश्त अब भी आपके शरीर में मौजूद है। ये सृष्टि के हर परमाणु में है। तो आप उसे साफ करना चाहते हैं, आप उस याददाश्त को साफ करना चाहते हैं, क्योंकि ये याददाश्त आपको बांधती है। ये याददाश्त आपको जुड़े होने की भावना देती है, पर साथ ही साथ आपको बांधती है, आपको जाने नहीं देती। तो जब आप साधना करते हैं तो आप सब कुछ काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काटे बिना, अपना लंगर काटे बिना आप आगे नहीं जा सकेंगे। तो ये याददाश्त मुझे क्यों रोके रखती है? इसी याददाश्त ने आपके शरीर को और आप जो अभी हैं उसे एक रूप और समग्रता दी है। इसके बिना, इस याददाश्त के बिना यह शरीर नहीं बनाया जा सकता। एक कोशिका के जीव की याददाश्त आप में हुए बिना, उस सारी जानकारी के विकास की प्रक्रिया से गुजरकर आपका रूप लिए बिना, उस याददाश्त के बिना यह शरीर एक रूप लेकर टिक नहीं सकता। तो याददाश्त आपकी दुश्मन नहीं है, बात यह है कि आपको उसे संभालना नहीं आता। आप उसमें समा गए हैं, यही समस्या है। आप उसमें समा गए हैं, अब आप उससे बाहर आना चाहते हैं। आप याददाश्त का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि वो आपका इस्तेमाल करे। यही आध्यात्मिक साधना है कि आप एक भविष्य चाहते हैं जो आपके अतीत से अलग हो।